हेलो गाइस, वेलकम टू माय मम्मास चैनल। मैं हूँ आश रॉय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके अपने बेटे के साथ आई हूँ और ये बोल रहा था कि मुझे भी ब्लॉग में आना है, तो मतलब मुझे वीडियो में आना है, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग में या फिर वीडियोज में मैं आपको ले लेती हूँ। और मतलब बहुत दिनों से बोल रहा था, तो हमने सोचा कि मैं सोच रही थी मैं कुछ दिनों बाद लेकर आऊँगी, लेकिन ये छोटा है तो मैंने सोचा चलिए बोल ही रहा है तो किसी वीडियो में मैं इसको ले ही आती हूँ। तो मैंने इसको लेकर आई हूँ और ये मतलब बहुत दिनों से ही बोल रहा था, तो सभी को बच्चे देख देख के मतलब सभी की वीडियो में कुछ बच्चे आते हैं ना, तो उनको देख कर बहुत ज़्यादा फील कर रहा था कि मैं भी आऊँ मम्मा के चैनल में। तो मैंने कहा चलिए मैं लेकर आ जाती हूँ। और ये है आर्श, ये है मेरा बेटा और ये अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम लोग आए हैं। ये अपने नाना के यहाँ आया है, नाना नानी के यहाँ, तो यहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ मतलब जब ब्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पर, कुछ ज़रूरी काम हो रहा है। मैंने दिखाया था अपने फर्स्ट ब्लॉग में जब मैं यहाँ एंटर हुई थी, मतलब जब मैं अपने घर पर आई थी मम्मा के घर पर, तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है घर का, तो वही इसी वजह से मैं नहीं ब्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी लोग बिजी हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ मैंने हाइलाइटर खरीदा था तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और मेरे दो दिन से वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मैंने एक हाइलाइटर खरीदा था, तो मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया है इसको, तो ये है इन कलर का हाइलाइटर है और ये बहुत ही हाइलाइटर मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये पाउडर बेस वाला है, मतलब समर्स में तो पाउडर्स वाले ही अच्छे होते हैं, लिक्विड वाले अच्छे नहीं होते हैं। तो ये मुझे 200 का ही मिला है, मैंने अभी ऑनलाइन नहीं देखा क्योंकि मुझे मेरे मोबाइल में इतना नेट नहीं होता है कि मैं इतना देख पाऊँ, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस डालने होते हैं इस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर लगा। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आप हाइलाइटर कुछ खरीदना चाहते हैं इस तरह का, तो ये इस तरह का हाइलाइटर है, ये इस तरह का रहता है, तो आप इसको खरीद सकते हो। इंस्टेंट ग्लो आता है इससे, शिमर ब्रेक है, बेस ऑफ, ये देखिए शिमर ब्रेक है ये, तो आपको इतने सारे कलर मिल जाते हैं, 5 कलर्स आपको आराम से मिल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। देखिए मैं सिर्फ एक ही स्वाइप में आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो मैं लेकर आई थी, तो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये देखिए ये देखिए, ये सारे स्वाइप मतलब कलर्स देखिए आप, और भी दिखाती हूँ मैं अच्छे से, आप नहीं दिख रहा है तो एक एक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा वेस है, मतलब कि आप इसको बस थोड़ा सा ही आपको यूज़ करना है और ये बहुत टाइम तक आपका जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा है ये, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो मैंने इसको ले लिया है। ये देखिए कितना शाइनी ग्लॉसी एकदम, मतलब आपको चंकी पार्ट्स नहीं मिलेंगे, चौकीस नहीं है इसमें, चौकी वक्की पार्ट्स नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैंने बहुत तरह के देखे लेकिन मुझे यही ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितना अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा सा हाइलाइटर लेना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बस एक ही स्वाइप में इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर देगा आपको, आपको और पास से दिखा देंगे, इतने नज़दीक से कोई भी नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ,
बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब 200 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन में सिर्फ कम का पड़ता है तो आप वहाँ से बाय कर लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और शेड नंबर इसमें नहीं दिया है, एक्चुअली जब दिया होगा तो मैं बता दूँगी। वैसे इसका शेड नंबर है नहीं, मेंशन नहीं है। तो आपको इसी तरह के और भी कलर मिल जाएंगे उसमें, अगर आप मार्केट से लेते हो, परचेस करते हो, तो आप बोलिए उनसे इन कलर का दिखा दीजिए शिमर ब्रेक, तो वो आपको इस तरह की दिखा देंगे और आप ले सकते हो। और इसमें पीछे भी सब कुछ प्रोवाइड है, मतलब जो भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आता है ये, तो आप इसको हटा भी सकते हो। हाँ, ये सेट नंबर है 06 गोल्डन बिट्स है ये, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही पिगमेंटेड है, तो आप इसको इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया है। और इसी के साथ मैंने सोचा कि चलिए इसको तो मैं आप लोगों के साथ शामिल कर ही रही हूँ, ये हाइलाइटर, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ एक और रिव्यू कर देती हूँ, मतलब आपको दिखा देती हूँ एक और चीज़। एक मिनट, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑनलाइन से, मतलब मैंने अमेजोन से ख़रीदा था ये ट्राईपॉड, और ये ट्राईपॉड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू कर लेती हूँ। तो मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए जब कुछ काम है ही नहीं तो चलिए आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। ये मेरा थर्ड ट्राईपॉड है और मुझे 4 मंथ हो गए हैं, तो 4 मंथ में मैं ये ट्राईपॉड थर्ड ले रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे नहीं पता कि ट्राईपॉड किस तरह के ले लेना चाहिए। तो मैं लेती रहती हूँ, सोचती हूँ सब अच्छे ही होंगे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। तो ये ऊपर से लगाने का है, ये मुझे पड़ा है, ये ट्राईपॉड मुझे पड़ा है 344 का, और ये इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था, डबल थी, ये था पहले, फिर उसके बाद ये था, तो इसके अंदर मुझे मिला है और इस तरह का है ये, इसमें आया था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ठीक है, मतलब इसको आप रख सकते हो, आप हर तरह की वीडियोस बना सकते हैं, तो ये इस तरह का हो जाता है, ये देखिए, एक मिनट, तो ये इस तरह का है और ये आपको ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाता है। आप इसके ऊपर इसको लगा सकते हो इस तरह से, अगर आप न्यू हो, बिगनर्स हो, मतलब आप वीडियोस बनाने के लिए कुछ ट्राईपॉड खरीदना चाहते हैं, तो इसी तरह का आप ले लीजिए, आपको हर तरह के वीडियोस आप इससे बना सकते हो। इस तरह से ये अटैच्ड हो जाता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब किसी साइड भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये इसी तरह का है और ये इस तरह से खुलता है, तो मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से खुलते हैं, तो ये इतना बड़ा हो जाता है ये ट्राईपॉड, तो ये इनफ है, इतना बहुत बड़ा है, तो ये इस तरह का हो जा रहा है। ये देखिए, मैं बताती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये ट्राईपॉड मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। अगर मतलब ये आपको वैसे तो, एक मिनट, तो ये इसी तरह का है और इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी इसको इस तरह से खुल जाता है, तो और बड़ा हो जाता है ये, तो ये इनफ है। और इसमें आपको और भी तरह के मिल जाएंगे, ये ऑफ़र में मैंने ख़रीदा है, वैसे ये 1000 का है, लेकिन ये दिखता उसमें बहुत अच्छा है, ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन देखते हैं तो,
लेकिन ये इतने अच्छे नहीं होते हैं गाइज। आप चाहें तो मार्केट से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ होती है वो सही बताती हूँ। तो अगर आपको ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा जितने दिन चले, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा ये प्लास्टिक होती है, ये वाली ये सारी प्लास्टिक है। तो ये देखिए अभी से ही इस तरह का ये चटका हुआ है, तो ये मुझे लगा कि चलिए मैं इसको तो चिपका तो लूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा इसका काम। लेकिन ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो ये 344 का है, और वैसे अगर ऑफ़र नहीं होता तो ये 1000 का मिलता, तो इस वजह से मुझे तो नहीं अच्छा लगता है ये। तो ठीक है, बट जितने दिन चले तो चले, और नहीं चलेगा तो फिर दूसरा बाय करूँगी मैं। अब मार्केट से ही बाय करूँगी इसको, उधर से नहीं लूँगी मैं, वहाँ से मतलब ऑनलाइन से मैं नहीं परचेस करूँगी। ऑनलाइन से परचेस करने का मतलब है कि इसको नहीं देख पाना कोई भी चीज़ है। अगर आप ये तो अच्छे हैं, ये मजबूत हैं, लेकिन जो ये चीज़ होती है ना, ये प्लास्टिक है, तो इसको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, टेक केयर करनी है इसकी, लेकिन इतना कहाँ हो पता है। और ले जाना ट्रेवल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा आप ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़े ना तो उस चीज़ को लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं बोल रही हूँ अपने हिसाब से कि उस तरह की ही चीज़ें आपको परचेस करनी चाहिए। तो यही आज का वीडियो, अगर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मेरा, हाँ एक बात और गाइस, थोड़ा सा मेरा वीडियोस लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इधर पे नेट प्रॉब्लम भी है, तो झांसी में नेट प्रॉब्लम भी थोड़ी हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर नहीं आता है जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ हो जा रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है। तो कभी अगर थोड़ा टाइम हो जाए मेरे वीडियोज़ आने में, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते, लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते, और शेयर करने में भी कोई पैसे आपके नहीं जाएंगे, बस यही आजकल सभी लोग यही बोल रहे हैं। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे भी सपोर्ट कर लीजिए, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब धीरे धीरे जान रही हूँ इसको, इस चीज़ को, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये करना, क्योंकि ये काम ऐसा है ना, जो ये इस तरह का काम है कि आप घर में रहकर बहुत सारी चीज़ें आप दिखा भी सकते हो, आपके मन में क्या है वो सारी बातें शेयर भी कर सकते हो, आप को क्या मतलब चाहिए, किस तरह की बातें, कौन क्या कह रहा है, उस चीज़ को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह, इसीलिए मुझे ये चैनल अच्छा लगता है, मतलब वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और रिचा रॉय चैनल पर आप जाएंगे तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर की होगी स्पेलिंग, थोड़ी बड़ी सी होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ, तो रेड कलर का होता है, उसके बाद ही जैसे आप उसको हिट करेंगे उसके बाद ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही हिट करेंगे तो आपको मेरा न्यू वीडियो अपलोड ज़रूर मिलेगा, नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, आप उसको भी शेयर कर सकते हो, मतलब उसको भी आप देख सकते हो, उसको भी आप अपने जो यूज़ है आपका, अगर अच्छा लगे तो उसको भी लाइक करिए। तो एक मिनट मैं अभी आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे इस तरह की ये सब बातें बतानी थी आपको, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है मेरे वीडियोज़ आने में, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करिए, और मैं वीडियोस रोज़ ही अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे सपोर्ट कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर होने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, और मुझे बहुत सारे कमेंट कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर अच्छी हूँ, अगर मुझे इतना ही प्यार कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। सभी लोग जानते हैं ये बहुत से, लेकिन मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई बात करनी है, कोई चीज़ आपको पूछनी है मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि यूट्यूब पर किस तरह के वीडियोज़ बनाए जाते हैं, मतलब कि ब्यूटी से रिलेटेड भी कोई वीडियोज़ बनते हैं,
ये भी किसी को मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो जब शेयर करेंगे हम लोग तभी आप लोगों को पता चलेगा। सभी लोग जब शेयर करते हैं एक दूसरे को तभी ये सारी बातें पता चलती हैं कि नेट पर और क्या क्या अवेलेबल है। तो इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने सोचा कि चलिए चिट चैट वीडियो कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, और मेरा फेस थोड़ा सा ग्लोई आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, आराम से बैठती हूँ, आराम से मतलब टाइम फिर भी हो जाता है मुझे, बैठ बैठ बातें बातें करते करते हो ही जाता है, और थोड़ा लेट उठती हूँ यहाँ पर तो इस वजह से। और बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ में चेंज लाइए, अपने सोच में चेंज लाइए, और अच्छे से अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, लॉट्स ऑफ वाटर, और हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हर चीज़ को इन्जॉय कीजिए। जो भी आपको मतलब किसी भी प्रॉब्लम में है, आप अच्छे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप खुश रहिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो भी आपकी कम हो जाएगी और आप लोग खुश रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अभी मेरी मम्मा आने वाली हैं और मैं मम्मा से भी आपको मिलाऊंगी, क्योंकि बहुत देर से मैं सोच रही थी कि सबसे आपको मिला देती हूँ अपने ब्लॉग में, लेकिन ब्लॉग बनाना हो नहीं पा रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और मेरी ईयरिंग कैसे लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरा बेटा अभी थोड़ा चला गया था, अभी खेल रहा है, वो क्या करे, मतलब वो लोग बच्चों को नींद ही नहीं आती है, दिन में सोचते हैं सो जाए, वो लोग नहीं, उन लोगों को सोना ही नहीं है, तो बस थोड़ा लेट उठते हैं तो फिर सोते भी नहीं है सुबह इतना सब करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मा, और मैं अपनी मम्मा के यहाँ आई हूँ, तो मुझे और मम्मा के यहाँ आई थी तो मैंने सोचा झांसी आ रही हूँ तो आप लोगों के साथ यहाँ के वीडियो शेयर करती हूँ, मतलब यहाँ पे जितनी भी जगह है ना घूमने की, तो मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, जाऊँगी लेकिन देखते हैं कब जाएंगे, ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि कब मैं जाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं कभी भी अगर कहीं भी जाती हूँ ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं ब्लॉग में लेकर आने वाली थी अपनी भाभियों को भी, अब एक भाभी से तो आप लोग मिल ही चुके हो, बड़ी भाभी से, अभी मैं छोटी भाभी को भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा मतलब टाइम भी हो जाता है हम लोगों को दिन में, क्योंकि सुबह में अब छुट्टी चल रही है, समर की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ना सभी लोग, तो उस वजह से थोड़ा सा सभी चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें, आराम से उठें, तो इसी तरह से उठते हैं हम लोग, तो इसीलिए थोड़ा टाइम हो जाता है उठने में, और फिर नहाते धोते मतलब फ्रेश होते होते इतना समय हो जाता है कि 2 बज जाता है, 2 बजने के बाद ही सब मतलब शुरू होता है, फिर नाश्ता वास्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट उससे पहले, बस यही सब है। बच्चों के साथ तो कब टाइम स्पेंड हो जाता है मतलब पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करते हैं, खेलते हैं, मतलब उन लोग को भी देखना है, उन लोगों का जो होमवर्क रहता है हॉलीडे होमवर्क इतना सारा मिल जाता है कि उसको कराते कराते ही पागल हो जाते हैं सभी पेरेंट्स, तो मेरा तो यही हाल है, यही हाल होता है। तो मम्मा अभी जा रही है, फिर अभी फिर आपके साथ मिलूंगी फिर आपके साथ मिलेंगी मम्मा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और मम्मा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अब एज हो जाती है तो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है, होता ही ऐसा। तो मम्मा अभी दवाई लेके आ रही थी, डॉक्टर के पास से ही आई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी मम्मा को मिला देती हूँ आप लोगों से। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को ये जो मैं खरीद कर लाई थी ये हाइलाइटर तो आप लोगों को पसंद आया है, तो बिगनर्स लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो आप लोग इसको बाय कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, और इसमें कोई भी आपको लॉस नहीं होगा, अगर आपको लॉस हो ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, लेकिन इसमें ये बता देती हूँ मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा, आप बिगनर्स हो तो भी, क्योंकि समझ में अगर कहीं आप लोग जा रहे हैं तो इस तरह के पाउडर बेस वाले जो होते हैं ना हाइलाइटर्स वगैरह, तो इन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना सभी लोग हाइलाइटर ही लगा रहे हैं, तभी उन लोगों की चेहरा मतलब फेस एकदम ग्लोई नज़र आता है, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि रोज मैं ही लगाऊँ, तो मैं नहीं लगाती हूँ कि आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ, मतलब आप लोगों के सामने ज़रा भी आ रही हूँ तो
हमेशा शाइनी हो कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब मेकअप वगैरह करती हूँ, मेकअप वाली वीडियोस बनाती हूँ, तब मैं इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। उसके लिए ही मैंने ये बाय किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही हिट करेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा बेल आइकन के साथ ही, तो आप लोग न्यू वीडियो भी देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, आज इतना ही, और मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती हूँ ब्लॉग कब शेयर करूँगी आप लोग। जैसे ही मैं शेयर करूँगी, जैसे ही बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूँगी। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रोसेसिंग में, और इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता, मतलब यहाँ नहीं मिलता है, नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इधर, तो मेरी बात भी नहीं हो पाती है मेरे घर पर, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड से, क्योंकि बहुत ही कम नेट मिलता है, मतलब हाय हेलो ही हो पाता है, ऐसा होता है, क्योंकि बाहर बाहर करके बाहर बातें करो, बाहर बातें आके करो, लेकिन नहीं हो पाता है बाहर में भी, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों नेट नहीं होता है। तो कभी कभी मिल जाता है तो हो जाती है बात, लेकिन नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।